दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल कौशल फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप हॉर्न रिले कैसे लगा सकते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों 6 थिम्बल की टर्मिनल और एक रिले और एक या 1.5 mm तार। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। एक बैटरी और एक ही स्विच, एक बैटरी एम को भी और 2 हॉर्न और 2 कटआउट। अब दोस्तों जो सबसे पहली बात है, जो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले आप 2 हॉर्न लीजिए। पहले हॉर्न पे थिम्बल लगाइए और तार लगाइए दोस्तों, और वही तार दोस्तों आप दूसरे हॉर्न पे लगाइए और उसी तार से एक तार दोस्तों आप बाहर निकाल लीजिए। जैसे ये निकल रही है, ये आपका दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें आप करंट देंगे। फिर दोस्तों ये दूसरी तार ऐसे ही लगाइए एक हॉर्न में, और दोस्तों फिर वो दूसरी तार जो है आप दूसरी थिम्बल पे लगाइए और वहाँ पर एक तार और जोड़िए और उसको ऐसे बाहर निकालिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 2 तारें हो गई हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, आप किसी भी चीज़ में इस तरीके से जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप कहीं भी हॉर्न लगा सकते हैं दोस्तों। जब आप ये अपने हॉर्न को अपनी गाड़ी में फिट कर लें, फिट करने के बाद दोस्तों उसमें से दोस्तों जो पहली तार है दोस्तों, ये वाली तार नेगेटिव पॉइंट, उस तार को आप जो आपकी गाड़ी की कहीं भी चेसी है उसमें कहीं भी कोई नट लगा है उस नट में दबा दें। यानी कि इस तार को हमें अर्थ करना है दोस्तों अपनी गाड़ी के साथ, मतलब बॉडी के साथ टच करना है, जहां भी आपको कोई नट मिले वहाँ पर इस तार को दबा दें दोस्तों। जैसे मेरे पास इस समय गाड़ी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरे पास ये बैटरी है और दोस्तों इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है। अब मैं पहले इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने इस तार को अब यहाँ पे लगा दिया है, जो इसकी एक अर्थ की तार है। फिर दोस्तों आपके पास अब बचा पॉजिटिव पॉइंट। अब आपको ये पॉजिटिव कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है दोस्तों इस कटआउट में जी। दोस्तों जो ज़्यादातर लोग हैं वो कन्फ्यूज होते हैं इन नंबरों की बातें, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा इस कटआउट को लगाने का, इस रिले को लगाने का, ठीक है दोस्तों। कुछ मैकेनिक जो होते हैं वो कहते हैं कि आप जो एक तार है यहाँ पे लगाइए, दूसरी तार यहाँ पे लगाइए, इस तीसरी तार इस नंबर पे लगाइए, चौथी तार इस नंबर पे लगाइए। यदि कहा आप गलत तार लगा देंगे तो आपका हॉर्न नहीं चलेगा। अब आपको दोस्तों सब ज़्यादा समस्या होती है इन नंबरों की दोस्तों, आप जो कन्फ्यूज होंगे दोस्तों इन नंबरों में ही कन्फ्यूज होंगे कि कौन से नंबर पर कौन सी तार लगानी है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, अब आप इन नंबरों को भूल जाइए। ये मेरे पास अलग से एक रिले है, इस पे जो यहाँ पे नंबर ये लिखे हुए थे, जैसे कि इसमें यहाँ लिखे हैं, लेकिन मैंने उसको यहाँ से मिटा दिया है, ठीक है दोस्तों। आप ये मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है ही नहीं दोस्तों, आपके पास एक कटआउट है और नंबरों को आप भूल जाइए, तो और इसको रख दीजिए साइड में। अब आप उन नंबरों को भूल जाइए और एक कटआउट लीजिए दोस्तों। आप किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं, किसी भी जो मैकेनिक शॉप है वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कोशिश करिए कि आप जो कटआउट लें वो वाटरप्रूफ लें, इसके चारों तरफ पेस्ट लगा हो। कुछ कटआउट में ऐसा पेस्ट नहीं लगा होता दोस्तों, और वो कटआउट जो होते हैं अपने आप ही उनमें पानी बढ़ जाता है जब हम मोटरसाइकिल की या फिर कार की धुलाई करते हैं दोस्तों, तो फिर और वो कटआउट आपका ये रिले जो है वो ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये जो रिले लें ये वाटरप्रूफ ही लें और उसमें कहीं भी पानी अंदर जाने की जगह ना हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें कहीं भी
अंदर पानी जाने की जगह नहीं है। अब मैं बात करता हूँ नंबरों की, तो आप उन नंबरों को छोड़ दीजिए, आपको उन नंबरों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भी 30 नंबर पे आपको ये तार लगानी है, 85 नंबर पे ये तार लगानी है, या फिर 86 नंबर पे ये तार लगानी है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप इन नंबरों को भूल जाइए, भी आपको इन नंबरों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बिल्कुल एक देसी तरीका बताता हूँ दोस्तों। ये तो था दोस्तों नंबरों में, जो आप नंबरों के हिसाब से चलेंगे फिर तो ये बन जाएगा दोस्तों एक अंग्रेजी तरीका। तो दोस्तों मैं तो आपको एक देसी तरीका ही बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसको साइड में घेरिए। अब आपको करना क्या है, आपने एक जो तार है आपने हॉर्न की वो अर्थ कर दी, या तो आपके जो चेसी है वहां पर आप उसको अर्थ कर दीजिए, जो दूसरी तार है कहीं नट बोल्ट आपको मिले, ठीक है दोस्तों, उसमें लगा दीजिए। और दूसरी तार ये रही दोस्तों। अब दोस्तों आपको चार तारों की जरूरत है, एक तार तो आपने अर्थ कर दी, जो दूसरी तार है आपको अपने रिले में लगानी है। और अब आप कहेंगे कि अब तीन तारें कहां से आएंगी, तीन तारें दोस्तों आपका जो ये रही दोस्तों, वो दो तारें और दोस्तों ये जो तारें होती हैं ये आपको हर जगह मिल जाएंगी, चाहे वो बाइक हो, ट्रैक्टर हो, या फिर आपकी कार ही क्यों ना हो। ये तारें जो होती हैं दोस्तों, आपका जो गाड़ी में हॉर्न लगा होता है मोटर बाइक में या फिर कार में, उस पे तारें लगी होती हैं ऐसे। अब आपको अपनी गाड़ी में दो हॉर्न लगाने हैं, तो अब आपको उस जो वहां आपकी गाड़ी में जो दो तारें लगी हैं उनको निकाल लेना है दोस्तों। अब आपके पास दोस्तों देखिए तीन तारें हो गई, एक ये जो पॉजिटिव पॉइंट बचा है, एक तो आपने पहले ही अर्थ कर चुके हैं, आपने जो गाड़ी की आपकी बॉडी है उसके साथ आपने अर्थ कर दिया। फिर आपकी जो दो तारे हैं ये हैं दोस्तों, ये जो ये तारे वो हैं दोस्तों जो आपके गाड़ी के हॉर्न में लगी हैं, ठीक है दोस्तों। अब चौथी तार, जो चार नंबर की तार है दोस्तों, वो दोस्तों ये है, ये आपको अलग से तैयार करनी पड़ेगी दोस्तों। ये रही वो अलग से तार, तो अब इस तार को आपको कहाँ जोड़ना है दोस्तों। ये जो इसका पहला सिरा है दोस्तों, आपको इसका पहला सिरा जो है अपनी जो बैटरी है वहां पर लगाना है दोस्तों, चाहे वो कार की बैटरी है चाहे वो मोटर बाइक की बैटरी है, जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, ये जैसे कि इसका पॉजिटिव पॉइंट है, आपको उस तार पे इसको लगाना है। हो सकता है आपके पास यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर तार लगाई है, लेकिन हो सकता है जो आपकी गाड़ी हो वहां पर ये पेंच हो ऐसे, और उन पेंच में आप इस तार को दबा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए दोस्तों ये तार लगाता हूं मैं ऐसे। लीजिए दोस्तों, अब आपके सामने जो है वो चार तारें तैयार हो चुकी हैं, जो आपके कटआउट पे लगेंगी, यानी कि आपकी जो रिले है उस पे लगेंगी। एक तार ये रही दोस्तों जो हॉर्न से आ रही है, और दूसरी तार जो आपने अपनी जो बैटरी है उसके पॉजिटिव पॉइंट पे जोड़ी है दोस्तों, और जो दो तारें हैं वो दोस्तों आपकी गाड़ी में पहले ही अवेलेबल होती हैं, जहां आपका सिंगल हॉर्न लगा होता है। अब दोस्तों अब देखिए दोस्तों इन तारों को कैसे लगाना है, अब आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है दोस्तों, जहां पर आप उलझते हैं कि तारें इसमें कहां कहां लगाएं। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं आपको, सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इसकी जो दो तारें जो पिने हैं जो पिने हैं वो जो फेस टू फेस है, आमने सामने है। देखिए दोस्तों इसकी जो दो पिने हैं वो आमने सामने है, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, और दो जो दो पिने हैं वो हैं दोस्तों अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। ये देखिए ये ऐसे है और वो दूसरी तार जो है ऐसे है, ठीक है दोस्तों। अब आपको कोई नंबर याद नहीं करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो दो तारे हैं जो आपकी गाड़ी में पहले ही अवेलेबल होते हैं, जहां से आपने छोटा हॉर्न जो आपकी गाड़ी में सिंगल हॉर्न है वो हटा दिया है, उन दो तारों को कहां लगाना है दोस्तों, ये वाली फेस टू फेस के सामने, जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, अपोजिट नहीं दोस्तों, ये जो एक दूसरे के फेस टू फेस भी है। अब आप कहेंगे कि कौन सी तार किस तरफ लानी है, तो दोस्तों यही तो आप लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप जहां मर्जी इस तार को लगा सकते हैं, यहां पे लगाए
तो या फिर यहाँ पे लगाएं। इसका कोई भी चक्कर नहीं है दोस्तों, आप इसमें चक्कर में मत उलझें, चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, ठीक है दोस्तों। बस ये था दोस्तों जहाँ पर आप कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं अब ये दो तारें जो हैं जो आपकी गाड़ी में सिंगल हॉर्न पे लगी होती हैं वो यहाँ पे लगाता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने इन तारों को लगा दिया है। तो आप जो आपके सिंगल हॉर्न की तारें हैं वो आमने सामने लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये मत सोचिए कि वो किधर लगानी है, आपको जहाँ जी करे वहाँ लगा दिए। एक तार इधर लगा दी और एक तार दूसरी तरफ। अब बची दोस्तों दो तारें अपोजिट। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपके पास अब दो तारें बची हैं जो आपको लगानी है। एक ये वाली तार जो आपके हॉर्न से आ रही है और एक ये वाली तार जो आपकी पॉजिटिव पॉइंट से आ रही है दोस्तों। ये तारें भी दोस्तों, इसमें भी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप बैटरी की तरफ से जो तार आ रही है वो यहाँ लगाएंगे या फिर उस तार को यहाँ लगाएंगे। इस तार को भी आप जहाँ मर्जी लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं अब आपके सामने लगाता हूँ। लीजिए दोस्तों, अब ये चारों तारें लग चुकी हैं दोस्तों। जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुका है। दो तारें आपको आमने सामने लगानी है, जो आपके जो सिंगल हॉर्न है वहाँ वो तारें आप वहाँ से हटाएंगे और उसकी जो आमने सामने है फेस टू फेस जो थिम्बल है उस पर लगा देंगे ऐसे। और जो दूसरी दो तारें हैं दोस्तों वो जो है आप अपोजिट साइड में लगाएंगे। जो बैटरी की तार है वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ भी लगा सकते हैं। अब इन नंबरों का कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों हम टेस्ट करते हैं कि ये जो तारें हैं हमारी वो सही लगी या नहीं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक बाइक का स्विच है जिसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है। अब हम देखते हैं कि ये हॉर्न बजते हैं या नहीं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बटन जो है इसका अपने स्विच दबाता हूँ और देखते हैं दोस्तों बजते हैं नहीं। देखिए दोस्तों, अब ये बजे, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव।